हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम बना रहे हैं चिकन मोमोज। गाइस, चिकन मोमो या नॉर्मल मोमो सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए, इतना जूसी, फ्रूटी, टेस्टी आज हम बनाएंगे चिकन मोमो। गाइस, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहां लेंगे 1 कप मैदा, 1 चम्मच रिफाइन ऑयल, 1/2 चम्मच नमक, और हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे मैदे का। पहले अच्छे से मैदा में मिक्स कर देना है रिफाइन ऑयल, नमक, और मिक्स होने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए गाइज, हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम इसे रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो जब तक यह रेस्ट होगा तब तक हम चिकन स्टफिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ हम लेंगे 3 बड़े साइज का प्याज, और यहाँ बोनलेस चिकन लेंगे। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में और चिकन कीमा बना लेंगे। यहाँ डाल देंगे हम इसमें कीमा, उसके बाद बारीक चॉप किया हुआ प्याज, छोटा टुकड़ा अदरक का, कद्दूकस किया हुआ, 4 से 5 लहसुन को छीलकर, और उसका भी हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो अदरक लहसुन पेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे, 2-3 हरी मिर्च बारीक चॉप कर लेंगे, 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। अब यहाँ डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और धनिया का फ्रेश पत्ता चॉप करके इसमें हम डालकर मिक्स कर लेंगे, और इसे हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। गाइज, इसे आप बनाइएगा ज़रूर घर में। बिल्कुल लगेगा कि आप रेस्टोरेंट या मार्केट में आप चिकन मोमोज को खा रहे हैं। चलिए, यहाँ जो हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है, और इधर जो है हमारा आटा भी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम बनाएंगे। सबसे पहले इसको सूखा आटा डालकर और इसे हम बना लेंगे एक लोई। तो इस तरह से सूखा आटा डालकर हम इसको इस तरह से मिला लेंगे और इसका हम लोई बना लेंगे। लोई बनाकर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। इस तरह से लंबा लोई बनाकर इस तरह से हम कटिंग कर लें। अगर आप चाहें तो एक एक पीस करके भी आप पूरी बना सकते हैं मोमोज का, और अगर नहीं चाहें तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से बेल कर बड़ा साइज का, और इसे हम खूब सारा फैला देंगे सूखा आटा डाल डाल कर, और इसे पतला करके, और इसे हम ग्लास से कटिंग कर लेंगे। इसे क्या होगा ना कि एक साइज का हमारा मोमो बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, हम इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ हमारा एक बार में 3 पूरी रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह से पूरी निकाल कर, और इसका जो बीच का जो रहता है पूरी का, वो थोड़ा मोटा रहता है मोमो का, और साइड से पतला, तो इसे हम थोड़ा थोड़ा साइड से इस तरह से बेल लेंगे। बेलने के बाद इसमें हम चारों किनारे में थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा देंगे गाइस, ताकि जब इसका हम मुंह बंद करेंगे ना तो ये खुलेगा नहीं। तो इस तरह से किनारे में पानी लगाने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्टफिंग, और इसे हम इस तरह से चून चून करके हम इसे सील कर देंगे। तो गाइस, इस तरह से आप बनाए। तो पहला एक इस तरह से मोमो हो गया गाइस। अब हम दूसरा डिज़ाइन भी आपको बनाएंगे। मोमो बहुत सारे डिज़ाइन से बनते हैं, अपने अपने तरीके से बनाइए। तो दूसरा डिज़ाइन इस तरह से हम सेम प्रोसेस पूरी पे डाल देंगे हम स्टफिंग, और इसको फिर किनारे में इस तरह से पानी लगा देंगे, और इसके बाद हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और ये सबसे आसान तरीका है गाइस। फोल्ड करने के बाद यहाँ हम क्या करेंगे ना कि एक चाकू ले लेंगे, और सबसे पहले हम यहाँ लेंगे फोक। फोक से हम इस तरह कर देंगे, दबा देंगे। उसके बाद यहाँ जो है हम एक चाकू ले लेंगे, और चाकू से हम इसको हर जगह पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा छोड़कर हम इसे पुश कर देंगे। तो यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा उभर के आ गया गाइज। यहाँ सारा मोमो रेडी हो चुका है हमारा। अब चलिए इसे करेंगे हम स्टीम। तो गाइज, यहाँ स्टीम करने के लिए ना हमारे पास मोमो स्टैंड नहीं है, तो यहाँ हम कढ़ाई में पानी डाल दिए हैं, और ऊपर से हम डाल देंगे इस तरह का जाली, और जाली में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे ताकि जो मोमो डालेंगे ना वो चिपकेगा नहीं। तो यहाँ डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे सारे मोमोज को, और इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक हम इसे स्टीम होने देंगे। और जब ये स्टीम हो जाएगा तो खुद ब खुद यह शीशा की तरह चमकने लगेगा मोमोज। देखिए गाइस, आपको लग रहा है ना ये चमक साइन कर रहा है ना, तो इसका मतलब मोमो हमारा रेडी है। तो चलिए फटाफट अब इसे हम चटपटे चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो गाइस, हमने
हमने अभी मोमो का चटनी नहीं डाला, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो हम मोमो का चटनी भी अपने चैनल पे डाल देंगे, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो ये लीजिए फटाफट, हमारा मोमोज और चटनी रेडी है, तो गाइज आप इसे बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये देखिए कितना बढ़िया सा जूसी हमारा मोमोज रेडी है। तो गाइज आप भी इस तरह से बनाइए, कमेंट बॉक्स बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।